ओके गाइस, तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चर्चा विद थगवा, एंड मेरे साथ है मॉर्टल नमन माथुर. सो नमन, कैसा फील हो रहा है आपको? बढ़िया, पहली बार वन वी वन वन वी वन हो रहा है. बिल्कुल सही. तो नमन, अपार्ट फ्रॉम मॉर्टल, जो कि आपको पूरी दुनिया मॉर्टल के नाम से जानती है, उसके अलावा ऐसी क्या बातें हैं जो आप जनता को बताने चाहोगे? आप कहाँ से आए हो, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को. मेरा नाम नमन माथुर है एंड मैं 23 इयर्स ओल्ड हूँ. नवी मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ एंड उसके अलावा तो स्टडीज़ ही हमेशा से प्रायोरिटी रहती थी. एंड बीकॉम किया मैंने, उसके पहले जो नॉर्मल स्टडीज थी वो किया, बीकॉम किया. बीकॉम के बाद मेरा एक्चुअली LLB प्लस CS का प्लान था, बट देन उतने में यूट्यूब ऐसा था कि यू नो साइड बाय साइड चलता था एंड इतना फोकस मेरा यूट्यूब पे कभी रहा नहीं है. बस कभी कभी वीडियोस अपलोड कर देता था, मिनी मिलिशा खेलता था उसकी वीडियोस अपलोड कर देता था, तो वीक में 2-3 वीडियोस अपलोड कर देता था. एंड फिर जैसे ही पबजी आया, मैंने पबजी खेलना स्टार्ट किया और एकदम से एक वीडियो वायरल हो गया एंड देन दिस होल जर्नी बिगैन, वरना आज CS और LLB पढ़ रहा होता है. जो तो आप पढ़ नहीं रहे होते. अच्छा, तो नमन, हाउ डज इट फील टू बी कॉल्ड एज द पबजी एम गॉड इन इंडिया, या हाउ डज इट फील टू बी द बिगेस्ट पबजी मोबाइल इन्फ्लुएंसर इन इंडिया फॉर यू नो द ऑडियंस? मतलब आपको कैसा फील होता है? दिस वॉज समथिंग जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो मतलब इस चीज़ को मैंने, ये मेरा कभी टारगेट नहीं था कि आई वॉन्टेड टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट और समथिंग लाइक दैट. ये अपने आप ही आया एंड मैंने भी इस चीज़ का अडेप्ट किया. मैं आज भी टारगेट नहीं रखता हूँ कोई बड़ा यूट्यूबर बनने की या कुछ, पता नहीं ये खुद हो रहा है तो मैं विद द फ्लो जा रहा हूँ बस. एंड बस ऑडियंस का सपोर्ट देखता हूँ तो दैट इज़ समथिंग आई लाइक वेरी मच एंड दैट्स वॉट कीप्स मी गोइंग. बहुत सही. तो व्हाट प्रेशर डज नमन माथुर फील व्हेन ही एंटर्स टूर्नामेंट्स? तो ये एक प्रेशर है जो यू नो ऑब्वियसली फेस करता हूँ. वन इज द प्रेशर ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर एज वेल एज अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर. तो आई हैव टू स्ट्रीम एंड आई हैव टू मतलब डू वेल इन कॉम्पिटिशंस टू, क्योंकि काफ़ी सारा ऑडियंस जो है मेरा वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं एंड जो मोस्ट एक्टिव ऑडियंस होती है वो मे बी मुझे कॉम्पिटिटिव के लिए भी देखते हैं. तो मुझे वो बैलेंस आउट करना पड़ता है, बिकॉज अगर मैं नहीं परफॉर्म किया तो जो ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव है वही मेरे चैनल पे अल्टीमेटली शोकेस करेंगे कि कंपटीशन में नहीं जीता एंड एवरीथिंग. बट देन ये एक प्रेशर होता है, लेकिन अब तक अच्छा चल रहा है सब कुछ, अब तक चलता गया एंड प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं हम. उसके अलावा ऑन स्ट्रीम भी यू नो मैंने वही वाइपर रौनक एंड एवरीवन सबको, वाइपर रेगल्टॉस एंड एवरीवन सबको बोला है कि विल यू नो स्ट्रीम्स को यूज़ करेंगे एक तरीके से कि अच्छे से खेलो उसमें एंड वही रहता है. बस प्रेशर मेन यही है कि कंपटीशन एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर में थोड़ा सा अच्छा बैलेंस रखना पड़ता है. अच्छा, फ्रॉम बीइंग नमन माथुर अ लेजी एस सिटिंग इन नवी मुंबई टू बिकमिंग अ मॉर्टल, बिकमिंग द मॉर्टल, हाउ इज लाइफ चेंज्ड? बहुत चेंज हो गया लाइफ. पहले तो यू नो कुछ था ही नहीं, लाइफ वॉज ऑल अबाउट कॉलेज, फ्रेंड्स, फैमिली. बट अब एक नया फैमिली आ चुका है विच इज़ यू गाइस. तो अब इसको हैंडल करना सबसे ज़्यादा यू नो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो चुका है एक तरीके से एंड सामने से सपोर्ट आता है तो वो मुझे मोटिवेट करता है उस चीज़ के लिए. अच्छा, तो आप अपने ऑन स्क्रीन लाइफ और अपने ऑफ स्क्रीन लाइफ में क्या डिफरेंस है? मतलब थोड़ा सा कुछ हमें इंसाइट्स दीजिए कि आप क्या है जो आप क्या, ऐसी क्या बातें जनता आपके बारे में नहीं जानती, ऐसी क्या चीज़ें जो आप ऑडियंस में करते हो अपने उसके सामने दर्शकों के सामने नहीं करते हो? और मोस्ट ऑफ द टाइम तो सोता हूँ, उसके अलावा खाता हूँ. अच्छा, वो जो है एट स्लीप पबजी रिपीट. अच्छा, मेरा तो वही है. अच्छा, एंड मतलब कुछ इसमें छुपाने वाली बात क्या है कि खाता हूँ, सोता हूँ और पबजी खेलता हूँ. उसके अलावा तो यू नो हफ्ते में एक बार फैमिली के साथ, हफ्ते में एक बार फ्रेंड्स के साथ. अच्छा, और मतलब लाइफ में डेटिंग शेटिंग वाली बात ही नहीं है क्या? एकदम भी नहीं है? अच्छा, गाली गलौज तो आप एकदम नहीं करते. बहुत बहुत ही शरीफ है हमारा नमन माथुर. चलिए गाइस, तो यहाँ से नमन, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि हु हैव बीन दोज टू पीपल, ठीक है, आपके पबजी मोबाइल लाइफ में हुम यू कैन ऑलवेज लुक अप टू फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, गुड और बैड? या कोई दो ऐसे लोग का नहीं है, बट देन कैटेगरीज में बात किया जाए तो एक तो मेरे मॉम एंड मेरे अंकल हैं, फैमिली में मैं उन गिनता हूँ. एंड एक आप हो, वो अलग बात क्योंकि है. हम शुरुआत से मेरा इनके साथ जर्नी रहा है तो ही हैज़ ऑलवेज स्टूड अप फॉर मी इन माई गुड एंड बैड टाइम्स. तो फिर
मेरे ख्याल से इट्स माय फैमिली एंड थग। ओके थैंक यू सो मच। अच्छा तो एक मैं इसके बाद पूछना चाहूँगा कि फॉल पीएमसी और फॉल 2019 के बाद क्या हमें मॉडल से क्या देखने को मिलेगा, व्हाट चेंजेस या व्हाट आर योर डिसीजंस गोना बी अबाउट? सो आई बिलीव कि आई विल आई माइट रन सोल एज अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइट एक्सपैंड टू अदर गेम्स, मोबाइल गेम्स एंड कंप्यूटर गेम्स का अभी तक सोचा नहीं है, बट देन मोबाइल गेम्स में आई माइट एक्सपैंड। एंड उसके अलावा तो मैं कॉम्पिटिटिव खेलूंगा कि नहीं इज स्टिल मतलब वो डिबेटेबल। हाँ डिबेटेबल, मतलब वो लटका हुआ है अभी तक, आई हैवन हाँ डिसाइडेड येट, बट देन इट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन हमारा अब का परफॉर्मेंस, जो अभी का हमारा परफॉर्मेंस। पीएमसीओ साउथ एशिया का परफॉर्मेंस। ओके सो नमन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, और वेयर डू यू वॉन्ट, वेयर डू यू सी योर सेल्फ एंड वॉट इज योर ड्रीम? क्या मतलब आप क्या चाहते हो कि आप 5 साल बाद कहाँ खुद को देखना चाहोगे? 5 years फ्रॉम नाउ मैं चाहूंगा कि मैं बस आप सबको खुश रख रहा हूँ, ऑडियंस को, एंड एंटरटेनमेंट फैक्टर जो मेरा है हमेशा से वही चलता आ रहा है मेरे स्ट्रीम पे, एंड लोग इंजॉय कर रहे हैं, मैं वो उसको एक यही एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो एवरग्रीन रहे इस सिनेरियो मतलब में। आपके और आपके ऑडियंस की जो इंटरेक्शन है, जो आप स्ट्रीम यस करते हो, जो उनका प्यार रहता है, वो हमेशा रहे। वो एवरग्रीन रहे। यस चलो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा नमन, तो मुझे ये बताइए, मैं आपको आपके लास्ट दो टूर्नामेंट जिसमें आप दोनों में आपने जीता था, टीम सोल ने जीती थी, तो PMIS और PMC ऑफ स्प्रिंग दोनों में लास्ट गेम के पहले ऐसा था कि PMIS के आपने लास्ट गेम में आप लोग मर गए थे जल्दी, यस एंड PMCO के लास्ट गेम के पहले IND लीड कर रही थी, यस तो वो दोनों सिनेरियो में आपके माइंड में क्या चल रहा था? तो पीएमआईएस के टाइम पे जब हम लोग सेकंड लास्ट गेम में जल्दी मर लास्ट गेम में लास्ट आपने गेम में जल्दी, जल्दी मर गए थे, तो मैंने देखा प्लेयर्स की तरफ, मेरे टीममेट्स की तरफ, एंड मैंने बोला सेकंड से खुश रहो अब, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये हो सकता है अब हम लोग जीत सकते हैं, बट देन हमारे लक अच्छा था कि तब गॉड्स रेन थी, जहाँ तक मेरा ख्याल है जो सेकंड आई थी दे ऑल्सो डाइड अर्ली, हमारे जस्ट बाद थोड़े टाइम मतलब लिटरली अबाउट 1 to 2 मिनट बाद वो लोग भी मर गए थे। सो उसके बाद यहीं बैठे बैठे पॉइंट्स कैलकुलेट कर दिया था एंड वी वर श्योर कि हम लोग जीत चुके हैं, बट देन वही था कि जब वो इंसिडेंट हुआ कि हम मर गए थे, द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माइंड वॉज सेकेंड, यस एंड जो हमारा पीएमसी इंडिया रीजन फाइनल्स हुआ था स्प्रिंग स्प्लिट का, उसके सेकेंड लास्ट मैच में हम लोग जल्दी मर गए थे, एंड देन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि 13 पॉइंट्स का गैप था आईएनडी और हमारे बीच में, बट देन वी एक ही चीज़ मैंने टीममेट्स को बोली कि लेट्स जस्ट प्ले दिस गेम टू विन, जो होगा खुद होगा, वही था एक दिमाग में कि लेट्स जस्ट प्ले द लास्ट गेम टू विन, एंड वी केम थर्ड इन दैट, बट उसमें आईएनडी जल्दी मर गई थी तो वी मैनेज टू विन। ओके अच्छा नमन, अब मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा जो मैं चाहता हूँ कि हमारे मेरे व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स ये बात जाने। तो आपके फादर आपके बहुत यंग एज में एक्सपायर हो गए थे, तो व्हाट रोल हैज़ योर मदर प्लेड इन ब्रिंगिंग यू अप एंड ब्रिंगिंग यू एंड योर ब्रदर अप? आपके भाई, बड़े भाई अभी है, तो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट फॉर हर एंड हाउ डिड यू गाइज कम टू दिस थिंग? मतलब आप लोग कैसे उस चीज़ को, आपके मॉम ने, बिकॉज आई नो शी हैज़ प्लेड अ वेरी इंटीग्रल पार्ट इन ब्रिंगिंग यू गाइज अप, तो व्हाट रोल हैज शी प्लेड? आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो यही कहना चाहूँगा कि जो जर्नी अब तक रही है, अब तो मैं चलो एनालाइज कर सकता हूँ सिचुएशन को घर पे, बट देन पहले जब मैं स्टूडेंट था, स्कूल में था, कॉलेज में था, तब मैं इतना नहीं एनालाइज कर पाता था, बट देन अब रियलाइज़ कर रहा हूँ कि तब मेरे मम्मी ने मुझे वो फील नहीं करने दिया कि समथिंग इज़ रॉन्ग और कि डिफिकल्ट समथिंग हो इज रहा है मिसिंग और या कुछ समथिंग इज डिफिकल्टी डिफिकल्ट है। या डिफिकल्टी है, वो चीज़ मम्मी ने कभी मुझे फील नहीं होने दिया था, बट देन नाउ आई रियलाइज़ कि हाउ डिफिकल्ट इट वॉज एक्चुअली। बिल्कुल सही। अच्छा नमन, तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि ये तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको सब पूछते हैं, टिप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, क्योंकि काफ़ी लोग, आप जानते हो कितने सारे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर होके यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, तो आपने सक्सेस को एक लेवल तक टच किया है, तो उनको आप वो क्या बोलना चाहोगे कि क्या मैसेज देना चाहोगे कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल यूट्यूबर? आई नो इसके कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होते, बट योर POV। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग बीइंग अ सक्सेसफुल यूट्यूबर इज दैट, सबसे पहली बात, यूट्यूब को आप एज अ करियर खुद नहीं चूज कर सकते, एंड बिकॉज इट्स अपॉन द ऑडियंस किसको देखना है किसको नहीं देखना है आपके वीडियोस, उस पर बहुत डिपेंड करता है। सो अब मेरा कैसा था, आई नेवर वॉन्टेड टू बिकम अ यूट्यूबर, बट देन मैं वीडियोज अपलोड कर रहा था, इट वॉज समथिंग आई वॉज डूइंग, बस पैशनेटली करता था वीडियोज अपलोड, एंड स्टडीज वॉज द प्रायोरिटी, तभी ओके उसी के साथ बस वीडियोज अपलोड करता था मैं, एंड देन अच्छा था कि एक वीडियो वायरल गया, एंड
वहां से मेरा यूट्यूब का जर्नी शुरू हुआ. तो अलॉन्ग द वे आई केम टू नो कि यूट्यूब कैन नॉट बी चोजन एज अ करियर. आप खुद नहीं चूज कर सकते. अगर आपको लकीली वो मिल जाता है या आप पैशनेटली उसका एज अ हॉबी साइड बाय साइड कर सकते हो, बट देन सिर्फ उस पर फोकस आप तब तक नहीं कर सकते जब तक इट डज नॉट यू नो आपको रिटर्न्स ना दे वो वैसा. हाँ, तो नवीन इसके बाद मेरा सवाल रहेगा कि आपने जैसे कि बताया कि यू नो फ्यूचर आप चाहोगे कि इस पर आप सोल को एक्सपांड करो, बट आपका विजन क्या है सोल को लेके? व्हाट लाइज फॉर द फ्यूचर ऑफ सोल? मतलब हाउ ओपन आर यू टू यू नो कि आप लोग, क्योंकि आप जानते हो इंडिया में बड़ी बड़ी ऑर्ग्स आने लगे हैं, तो क्या कभी वो प्रोस्पेक्ट है कि आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से पिकअप होना चाहोगे या यू वुड ट्राई टू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन? मुझे काफ़ी सारे यू नो आफ्टर विनिंग PMIS, आफ्टर विनिंग PMC इंडिया रीजन ऑफर्स आए थे टू जॉइन बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, बट देन मेरा हमेशा से टारगेट था कि मैं सोल को ही आगे बढ़ाऊं, एंड अब तक वो कायम रहा है और होपफुली आगे भी यू नो मैं सोल को ही आगे बढ़ाता रहूँगा. सो मेरा नेक्स्ट सोल के लिए यही है कि अब जैसे कि लोगों को दिख रहा है ये चीज़, दे आर वॉचिंग हाउ सोल ग्रू फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मैं चाहूँगा इस जर्नी में लोग भी साथ रहें मेरे एंड देखें कि कैसे मैं सोल को आई टर्न इट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, इनटू अ प्रॉपर ई-स्पोर्ट्स कंपनी या जो भी कंपनी हो, जैसा भी हो. सो या दैट्स द टारगेट. ओके, सो एज अ यू नो पार्टिंग मैसेज, मैं आप अपने व्यूअर्स और उनको क्या एक टिप देना चाहोगे हाउ टू बिकम, मतलब कि जो बहुत सारे लोग हैं जो करियर बनाना चाहते हैं इसमें, तो व्हाट इज योर पीस ऑफ एडवाइस टू देम? एंड आप उनसे जो भी मन की बात बोलना चाहोगे आप बोल सकते हो इन ई स्पोर्ट्स. या ई स्पोर्ट्स का तो मैं यही कहूंगा कि यू नो अभी थोड़ा कम है इसका जो स्कोप है, बट देन इन द नियर फ्यूचर आई एम प्रिटी श्योर 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहेगा, बिकॉज आई बिलीव बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी जो रिक्रूट करेंगे प्लेयर्स को, एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो अपने आप को ऑब्वियसली इम्प्रूव करेंगे. तो आई बिलीव कि ई स्पोर्ट में इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स देर इज़ अ स्कोप, बट देन अभी फिलहाल यू कैन जस्ट प्ले पैशनेटली या जो भी अनटिल यू हैव दैट स्किल सेट. अगर आपके पास स्किल सेट है यू विल ऑब्वियसली बी रिकग्नाइज बाय एनी ऑफ द टीम्स आउट हियर, कितने सारे टीम्स हैं इंडिया में. तो या वही है कि इफ़ यू हैव दैट स्किल, एक कोई प्लेटफॉर्म में आप ये कर सकते हो उसको, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि समवन इज वॉचिंग दैट. ओके, सो थैंक यू सो मच नमन माथुर, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू. एंड गाइज, दिस वॉज जस्ट द फर्स्ट एपिसोड. अब हम जाएंगे episode 2 में, तो उसके लिए आपको चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है. episode 2 इज गोना बी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि उसमें मैं लूंगा इसकी क्लास और एक रैपिड फायर राउंड. थैंक यू गाइज.